हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। मैं पंचम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लाइट। लाइट क्या है? लाइट या प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को देखने में मदद करता है या हम लोग को वस्तुओं को दिखाता है। बिना लाइट का हम लोग कोई भी चीज को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हम लोग को किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो देखिए, हम लोग जब आईना में टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है? जब हम लोग आईना में कभी टॉर्च जलाए हैं, जब इधर से हम लोग टॉर्च जलाते हैं, जब लाइट रोशनी इधर से जाता है तो ये टकरा के इस साइड से निकल जाता है। यही तो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी को कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकरा के वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस में टकराने के बाद प्रकाश का किरण का लौट जाना, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अगर इसको लिखना है कैसे लिख सकते हैं? प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये समझ गए? अब देखिए, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये एक प्लेन सरफेस है या एक मिरर है, एक आईना है या समतल या चिकना एक सतह है, ठीक है। इधर से एक लाइट आ रहा था ऐसे, और जब यहां से टकराया तो ये वापस इधर से मुड़ के चल गया। लाइट इधर से आ रहा था, यहां पे टकरा के मुड़ गया, तो यहां पे परावर्तन हो रहा है यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहां पे हम लोग सब देखेंगे कि किसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, जो लाइट या जो रे या किरण जो पड़ रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतित किरण, और इसको क्या कहते हैं जो टकरा के वापस जाता है? इसको कहते हैं परावर्तित, परावर्तन हो रहा है इसलिए परावर्तित किरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये पड़ रहा है लाइट आके, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
अब देखिए ये हम लोग जान गए कि टकरा के जब वापस जाता है तो इसको परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो पढ़ने वाला है उसको कहते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे। और ये बिंदु जिस बिंदु पर पड़ता है लाइट उसको कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अब हम लोग इसमें नियम देखेंगे, इसके दो लॉ है, दो नियम है परावर्तन के, दो नियम। तो उसके लिए हम लोग एक चीज यहाँ और देखते हैं, इस बिंदु पर अगर हम लोग 90 डिग्री में एक लाइन खींचते हैं तो इसको बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब इंग्लिश में नॉर्मल, ठीक है। और ये जो आपतित किरण है और ये जो नॉर्मल है यानी अभिलंब, ये दोनों के बीच जो कोण बनता है यहां पे आई, इसको आई बोलेंगे, जो क्या है आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो अभिलंब यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है यहाँ पे आर, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या है आपतन कोण, इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आर है इसको क्या बोलेंगे परावर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब क्या देखेंगे, परावर्तन के नियम देखेंगे। तो इसके लिए हम यहां पर मिटा देते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के समान होता है या बराबर होता है, ठीक है। पहला वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, आपतन कोण मतलब ये जो आई है और ये जो आर है, यहां बता देना आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। मतलब यहां अगर 50 डिग्री बनेगा तो यहां भी 50 डिग्री ही होगा। मतलब क्या है कि आई इक्वल टू आर होगा हमेशा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचे हैं ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्लेन पर ही है, ये आपतित किरण इधर से जो जा रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, एक ही सरफेस पर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे इधर वाला रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाइट
इन द सेम प्लेन, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में, वो तीनों एक ही प्लेन पर यानी एक ही सतह पर है, होते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग मिरर यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण यानी मिरर, मिरर क्या होता है, आईना, एक ऐसा शीशा होता है, ठीक है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जिसमें एक साइड पेंट किया हुआ होता है और दूसरा साइड हम लोग अपना परछाई देखते हैं, ठीक है। तो दर्पण देखिए कितने तरह के होते हैं, दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर जो हम लोग घर में आईना यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर। हम लोग इस चैप्टर में बस गोलीय दर्पण ही पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितना टाइप के हैं, दो टाइप के, पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, और इसको क्या कहते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। अभी दोनों को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, इस तरह से रहेगा और इस साइड पेंट रहेगा, और अवतल दर्पण ऐसे रहेगा और इधर पेंट रहेगा। तो देखिए जिधर से हम लोग इधर से देख रहे हैं चेहरा, परछाई अपना या आईना में इधर से देख रहे हैं, तो जिधर से हम लोग देख रहे हैं उस साइड उठा हुआ है तो वो उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर होगा, और जिधर से देख रहे हैं वो अगर गड्ढा है, ठीक है, जिधर से देख रहे हैं उस साइड अगर गड्ढा है तो वो कनकेव मिरर अवतल दर्पण होगा, ठीक है। घर में हम लोग चम्मच देखे होंगे, चम्मच में जब हम लोग देखते हैं जब गड्ढा साइड से, तो यानी कि ये हम लोग अवतल दर्पण को देख रहे हैं, और अगर पलट देते हैं उठा हुआ अपना साइड रखते हैं तो वो हम लोग का, हम लोग के लिए क्या है, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये दोनों दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पहले सबसे पहले हम लोग दर्पण को समझते हैं क्या होता है। ये मान लेते हैं उत्तल दर्पण है, ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है। अब देखिए ये इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों गोलीय दर्पण का प्रकार है ना, तो ये क्योंकि ये एक कोई गोला का भाग है, इस तरह से एक गोला का ही भाग है ना ये, इसीलिए इसको गोलीय दर्पण, एक स्फेयर का ही भाग है इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये भी कोई गोला का भाग होगा इस तरह से, तो इसका जो बीच का बिंदु होगा, बीच का पॉइंट है, वो क्या होता है, केंद्र, सेंटर होता है ना, तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेंटर, केंद्र, ठीक है। तो हम लोग जो मिरर बनाएंगे जब प्रकाश से, तो यहां पे पॉइंट रखेंगे, प्रकाश को ऐसे करके घुमाएंगे या यहां पे रख के इधर ऐसे घुमाएंगे, तो जिस पॉइंट में प्रकाश को रख के हम लोग घुमाते हैं वही पॉइंट सी है, सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। और एक लाइन सीधा जाता है इस तरह से, इस लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसमें भी, इस दर्पण में भी उसी तरह से हो जाएगा, वही नाम होगा, ठीक है। अब देखिए ये सी है, ये दर्पण है, अब ये दोनों के बीच में एक बिंदु आएगा जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, वही होता है फोकस, ठीक है। यहां सी है और यहां दर्पण है, मिरर है, ये दोनों के बीच, बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है एफ, फोकस जिसको हम लोग बोलते हैं,
तो यहां देखिए, ये जो यहां से यहां का दूरी है, सी से मिरर का दूरी, हम लोग इसको पी भी बोल सकते हैं इस पॉइंट को। तो यहां से यहां का दूरी यानी कि दर्पण से केंद्र का दूरी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द मिरर, जितना दूर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब सी से दर्पण के बीच का दूरी, इसमें भी उसी तरह ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां वक्रता त्रिज्या है और यहां से यहां का दूरी, मतलब दर्पण से ये जो फोकस है इसके बीच का दूरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। यहां से यहां का दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी या फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो वक्रता त्रिज्या है, मतलब यहां से यहां का दूरी सी, यहां से सी का दूरी, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, फोकल लेंथ को। और यहां पे बड़ा कैपिटल एफ और कैपिटल सी, मतलब फोकस जो है कैपिटल में रहेगा और फोकस दूरी स्मॉल में रहेगा। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है यानी जो आर है वो क्या होगा, ये जो वक्रता त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक है और फोकस दूरी बस इसका आधा है, आधा है ना, यानी आर जो है वो फोकस दूरी का दोगुना है, क्योंकि ये डबल मिलके वक्रता त्रिज्या बनेगा। तो आर इक्वल टू हम लोग 2f लिखेंगे, या अगर हम लोग को आर पता है और फोकस निकालना है तो आर, और तो फोकस दूरी क्या होता है, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। फोकस क्या होगा, रेडियस का आधा, यानी आधा मतलब बाय टू करेंगे। ये दो फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना है, जो अवतल दर्पण रहेगा, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, एफ जो है प्लस में रहेगा, और अवतल दर्पण जब होता है, अवतल दर्पण जब होता है यानी कि कंकेव होता है, कंकेव मिरर बोलेगा या लेंस बोलेगा, अवतल दर्पण बोलेगा या लेंस बोलेगा, दोनों में फोकस जो है वो माइनस में रहता है, नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स जब बोलेगा यानी कि उत्तल, तो दोनों केस में यानी उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, मिरर हो या लेंस हो, दोनों में फोकस प्लस में हम लोग यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो फोकस बोलेंगे या आर बोलेंगे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फोकस हो, दोनों माइनस में होगा जब अवतल हो यानी कंकेव हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों माइनस में होता है, प्लस में होता है जब कन्वेक्स बोलेगा यानी उत्तल बोलेगा, चाहे लेंस बोलेगा या दर्पण बोलेगा, दोनों में प्लस में ही लेंगे। जैसे हम इस मिरर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है कन्वेक्स, ये क्या है, कंकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, अवतल है ना, और अगर हम बोलेंगे कि इसका आर जो है, इसका वक्रता त्रिज्या यहां से यहां का जो दूरी है ये बोलेंगे 30 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब अगर आर 30 है तो एफ क्या होगा। तो देखिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल है ना, कंकेव है, कंकेव में आर क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, तो एफ क्या होगा, आर बाय टू, फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, आर है माइनस में 30 और बाय टू 15 होगा यानी माइनस में 15, तो जब अवतल होगा तो माइनस में ही आएगा, इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हम लोग का। और अगर ये रहता तो यहां पे अगर दर्पण अवतल की जगह उत्तल दर्पण रहता तो यहां आर प्लस में लेते, ये भी प्लस में रहता तो आंसर भी प्लस में आता। ठीक है, अब हम लोग इसका रे डायग्राम खींचेंगे, रे डायग्राम सीखेंगे कैसे बनाना है, यानी कि किरण आरेख कैसे दर्पण का खींचते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो देखिए 6 कंडीशन में हम लोग को छापने का आएगा। देखिए मान लेते कि ये एक अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण है, ये एक दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहां पे मान लेते हैं सी है और इसके बीच में फोकस है,
तो हम लोग को छह कंडीशन में छापने का आएगा, ठीक है। एक तो होता है जब इंफिनिटी में हो, अनंत में हो, अनंत में बहुत दूर में। इसके बाद क्या आएगा, सी से थोड़ा सा पीछे यानी सी से परे, और उसके बाद क्या आएगा, फिर सी पर आएगा, फिर सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ में आएगा और एफ और मिरर यानी दर्पण के बीच में। यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह, ये छह कंडीशन का हम लोग को छापने का आएगा, लेंस हो या मिरर हो दोनों में, ठीक है। एक एक करके सबको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण का देखते हैं ना, ये एक उत्तल दर्पण है, यहां इसका फोकस है और यहां इसका सेंटर है। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, सबसे पहले अनंत वाला देखते हैं, सबसे पहले अनंत वाला देखते हैं। मान लेते हैं यहां पे एक है वस्तु, ये बहुत दूर में है, यहां से लाइट आ रहा है इस तरह से, और इस तरह से आएगा सीधा में, यहां भी आएगा, और ये जो टकरा के वापस जाएगा, देखिए दर्पण है ना तो ये पार तो जाएगा नहीं, टकरा के वापस आएगा, तो ये बिल्कुल फोकस के सीधा से टकरा के वापस आएगा इस तरह से। ये लगेगा इधर से आया और इधर चला गया, लगेगा कि बिल्कुल फोकस से ये निकल रहा है। उसी तरह यहां भी होगा इस तरह से, बिल्कुल फोकस के सीधा से ही ये लौट जाएगा, इधर से आया और यहां से टकराने के बाद इधर लौट जाएगा। तो देखिए ये कहां पे आके मिल रहा है, इस जगह पे, ठीक है। अब इसका बाद का जितना भी है इस मिरर में और उत्तल दर्पण में जितना भी बनेंगे सब एक ही जैसा बनेगा। मान लेते ये एक उत्तल दर्पण है इस तरह से है। अब कहीं भी हम लोग रखते हैं वस्तु को, अब देखिए उत्तल दर्पण में बस अनंत वाला ऐसे बनेगा, बाकी इंफिनिटी वाला ऐसे होगा, बाकी कहीं भी रखते हैं तो देखिए एक आएगा, ये जो मुख्य अक्ष है ये वाला यानी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समांतर आएगा यानी इसके पैरेलल इस तरह से एक लाइन आएगा, ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल में आएगा इस तरह से, और ये फोकस के सीधे से ऐसे मुड़ जाएगा। और दूसरा लाइन जो है वो सी के सीधे से, देखिए यहां पे सी है, इसके सीधा से आएगा बिल्कुल ऐसे में, यहां से इस तरह से आएगा, यहां से हम लोग देखिए स्केल रख के यहां से मिलाएंगे बिल्कुल इसके सीधा से सी में, यहां तक आएगा इस तरह से, बस यहां रुक जाएगा क्योंकि ये दर्पण यहां से तो पार जाएगा नहीं लाइट, यहां से ये लौट जाएगा वापस इसी रास्ता से, लेकिन ये लगेगा कि इस तरह से यहाँ पे सी से होके आ रहा है। और देखिए कहां पे मिला, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, इससे छोटा बनेगा, ये कहीं भी रखेंगे ऐसे ही बनेगा, बस अनंत में फोकस में बनेगा, बाकी सब इधर बनेगा। अनंत में रहेगा तब उत्तल दर्पण में हम लोग किसका बना रहे, उत्तल दर्पण का, कन्वेक्स मिरर का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसमें बस दो ही को बनेगा, एक जब अनंत में हो, इंफिनिटी में हो, और जब एक यहां पे कहीं भी हो सकता है, वो हर बार पी और एफ के बीच में ही बनेगा और छोटा ही बनेगा, हम लोग इधर कहीं भी रखेंगे, एक पैरेलल आएगा, समांतर आएगा और फोकस का सीधे से लौट जाएगा, और दूसरा जो है वो बिल्कुल सी का, यहाँ जो सी है इसके सीधा से आएगा और यहां से लौट जाएगा टकरा के, और हम लोग डॉट डॉट मिला देंगे। देखिए डॉट डॉट मिलाने का मतलब क्या है कि ये हम लोग का रियल में नहीं बन रहा है, ये बस कल्पना है, यानी कि हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, ये भी वर्चुअल है क्योंकि डॉट डॉट करके मिलाए हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही बात है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, कैसा बनाता है, वर्चुअल। और देखिए जब भी वर्चुअल बनेगा यानी जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनेगा, ये देखिए हमेशा सीधा बनेगा, मतलब सर ऊपर और पैर नीचे रहेगा, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी एवं सीधा ही बनेगा हर बार, ठीक है, आभासी बोलिए या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक और सीधा, वर्चुअल एंड
इरेक्ट, हर बार सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, उत्तल दर्पण में। इसको याद रख लीजिए, जब भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा सीधा, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वो हमेशा इरेक्ट, और जब रियल इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। यानी जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा रहेगा, उसका पैर ऊपर और सर नीचे रहेगा, जब भी जो रियल इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो अभी इसमें हम लोग का कौन सा इमेज बना हुआ है? आभासी यानी काल्पनिक, वर्चुअल इमेज है जो सीधा बना है, इसीलिए ये सीधा बना है। तो हम लोग उत्तल दर्पण का देख लिए, इस तरह से बनेगा, बस दो ही कंडीशन बनता है। अब हम लोग अवतल दर्पण का बनाएंगे, यानी कि कंकेव मिरर का। अब हम लोग अवतल दर्पण कंकेव मिरर का देखते हैं, ठीक है। हम बोले थे अभी कि छह कंडीशन होता है, छह कंडीशन का छापने का आएगा, तो बनाते देखिए ना। मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है, हम लोग बनाएंगे कैसे? एक लाइन सबसे पहले खींचेंगे और एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, प्रकार में पांच या छह नापेंगे और यहां से इस तरह से घुमा देंगे, और इसको इधर से पेंट क्या होता है, हो गया। अब ये जो है ये सी हो गया। अब इसका बिल्कुल बीच में अगर पांच नाप के अगर चाप खींचे हैं तो हम लोग इसका पांच का आ रहा 2.5, उस जगह पे यहां से नापेंगे और वहां पे फोकस का, वहां पे फोकस दे देंगे, बढ़ाया करता है, ठीक है। और ये हो गया। अब देखिए छह कंडीशन अभी हम बताए थे, छह कंडीशन में करना है, तो सबसे पहले अनंत वाला, जब अनंत में हो, इंफिनिटी में हो, तब क्या होता है? तब देखिए ये जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरह से आएगा और इसके समांतर में जाएगा, बिल्कुल पैरेलल में, और यहां भी पैरेलल में, ये और ये इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल यानी बिल्कुल समांतर में जाएंगे। और अब देखिए टकरा के वापस लौटेंगे, तो जब भी आता है टकरा के लौटता है तो वो फोकस से होके जाएगा, तो यहां से ये लौट सकता है, यहां से इस तरह से फोकस से होके चल जाएगा, और ये भी इधर से फोकस से, किस जगह पे आके दोनों मिला है? फोकस में, ठीक है। और ये देखिए रियल में भी मिल रहा है, ये डॉट 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 करके हम लोग खुद से नहीं मिलाए, यहाँ पे क्या है, इधर से टकरा के यानी रिफ्लेक्शन होके, परावर्तन होके ये आया है और मिला है, इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, अभी हम बताए वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पे वास्तविक बन रहा है, रियल में बन रहा है, तो ये उल्टा बनेगा यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये क्या कर रहा है, अनंत से जो आ रहा था लाइट, इसको एक जगह पे मिला दिया, ठीक है। यही अगर जब हम लोग उत्तल बनाए थे यानी कि कन्वेक्स में, उस समय क्या था, इधर से जो लाइट आ रहा था इसको ऐसे मोड़ दिया था ना फोकस का सीधा से, तो उधर तो हम लोग बस कल्पना किए थे कि इधर लाइट है, लेकिन इधर लाइट है नहीं, ये इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, मतलब ये क्या कर दिया, फैला दिया, जो लाइट आ रहा था उसको और दूर भेज दिया, और ये दोनों क्या किया, मतलब और ये अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, कंकेव मिरर में जो लाइट आ रहा है उसको फिर मिला दे रहा है, एक पॉइंट पर ले आ रहा है, ठीक है। जो लेंस या जो मिरर, जो भी दर्पण हो या लेंस हो, अगर लाइट को एक जगह पे मिला देता है तो उसको हम लोग अभिसारी दर्पण या लेंस बोलते हैं, यानी कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे हम लोग इसको। और ये क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण फैला दे रहा है लाइट सबको ना, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, मतलब जो एक पॉइंट पर मिला है वो अभिसारी या कन्वर्जिंग, और जो दोनों आने वाला पैरेलल लाइन को फैला दे या दूर कर दे उसको अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे या मिरर कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अवतल दर्पण का पहला कंडीशन देखें कि जब अनंत में हो यानी इंफिनिटी में हो तो वो कहां पे मिलता है, फोकस में, और इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पर ही इमेज बन रहा है, और कैसा बन रहा है, बिल्कुल बिंदु के साइज में, ठीक है। बुक में, एनसीईआरटी का बुक में सब छपा हुआ है आप लोग का, छो कंडीशन, तो हम बस शॉर्ट में बता देते हैं कैसे बनेगा। तो जब अनंत में होता है तो फोकस में बनता है,
अब हम लोग इससे सामने यानी सी से थोड़ा सा पीछे वाला लेंगे। ये जब सी से थोड़ा सा पीछे रहेगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ से एक चाप खींचते हैं, इसका बीच में फोकस लेते हैं और इस तरह से पेंट है। अब सी से थोड़ा सा पीछे अनंत हो गया, अब सी में अगर रहेगा तो कैसा बनेगा? देखिए एक समांतर आएगा, एक समांतर तो आता है और वो टकरा के फोकस से होके चल जाएगा इस तरह से, और दूसरा कहां से जाता है? तो दूसरा जाता है सी से, यहां से मतलब इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये अगर लेंस छोटा है तो हम लोग दोनों साइड बड़ा कर लेंगे और इस तरह से ये आएगा और लगेगा यहां से टकराएगा और बिल्कुल इसी रास्ते से वापस जाएगा, तो इस तरह से आएगा और यहीं से वापस चल जाएगा। तो ये कहां पे मिल रहा है? देखिए यहां पे मिल रहा है। अब देखिए इस तरह से इस लाइन में हमेशा पेड़ रहेगा, ये याद रखिए। तो इस साइड पेड़ है और इधर सर है, ये इसका कैसा था? पहले इधर सर था, पेड़ था और यहां सर था, उल्टा बन रहा है ना। यानी ये कैसा इमेज है, वास्तविक या काल्पनिक, यानी रियल है या वर्चुअल है? अगर उल्टा बन रहा है तो रियल है। ठीक है, तो अब देखे दूसरा कंडीशन में सी से पीछे रहेगा तो कहां पे बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? इससे छोटा है, देखे ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे छोटा है, मतलब इससे छोटा, वस्तु से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा इमेज, और कहां पे बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी कि ये रियल है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग सी में रख के देखते हैं। अब देखिए फिर से इस तरह है, इसको सी मानते हैं इस तरह से, यहाँ पे एफ है। अब अगर सी पर ही है ऑब्जेक्ट, दो कंडीशन देखिए, अब सी पर अगर है तो क्या होगा? समांतर जाएगा, टकरा के यहां से फोकस से होके चला जाएगा, और दूसरा जो होता है सी से जाता है, लेकिन ये तो अभी पहले ही सी पर है तो इस बार सी से नहीं जाएगा, इस बार एफ से इस तरह से जाएगा और बिल्कुल इसके समांतर जाएगा इस तरह से, और एक बिल्कुल यहां पे मिलेगा, ये जो है ना ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सी का सीधा में यहां पे मिलेगा, और बिल्कुल ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहां पे बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, सी पर रहने पर सी पर ही इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट सी पर है, वस्तु सी पर है, तो इमेज भी उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा और उसी के बराबर बिल्कुल साइज में बनेगा। ठीक है, ये सारा बुक में बताया हुआ है, हम बस स्वर्ग में बता देते हैं जल्दी में। अब नेक्स्ट कंडीशन है सी और एफ के बीच, अब सी और एफ के बीच अगर है तो कैसे बनेगा? एक पैरेलल लाइन आएगा, टकरा के यहां एफ से होके चला जाएगा, और दूसरा जो होता है सी से होके जाता है, तो अब यहां पे सी से इस तरह से जाएगा, ये आगे आके इधर कहीं मिलेगा। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में रहने पर कहां बनता है? सी से परे या सी से पीछे बनता है, बियॉन्ड सी बनता है, और ये कैसा बनेगा? इससे बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। ठीक है, देखिए जब यहां पे था तो सी और एफ के बीच में बन रहा था, और अब जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो सी से परे बन रहा है, मतलब जो जहां से बनता है ना उसका ऑपोजिट है, जब अनंत में था तो फोकस में बनता है, जब फोकस में हम लोग रखेंगे तो अनंत में बनेगा, दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, अब हम लोग सी और एफ के बीच में देख लिया, अब एफ में रख के देखते हैं। अब हम लोग एफ में अगर रखते हैं तो कैसे बनेगा? देखिए रूल सब में लगभग एक ही है, एक समांतर लाइन आता है, ठीक है, और ये टकरा के फोकस से होके चला जाता है, और दूसरा सी से होके जाता है, सी से इस तरह से। तो यहां तो रफ छाप रहे ना, इसलिए उतना अच्छा से हो नहीं रहा है, यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सीधा में आएगा, इसके पैरेलल, इसके समांतर, मतलब ये डॉट 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 होके जाएगा, यानी कहां पे जाके मिलेगा? अनंत में। ठीक है, जब फोकस में रहेगा वस्तु तो कहां पे बनेगा? अनंत में, और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये हो गया। अब हम लोग एफ और यहां पे पी के बीच में, ये दोनों के बीच में देखते हैं कहां पे बनेगा इमेज। इस तरह से एक लाइन ले लिए, यहां सी ले लिए, यहां पे हम बताएं कितना नाप के बनाना है, 5 या 6 ले लीजिए, जितना भी लेना है, लेकिन ऐसा नंबर लीजिए जिसका आधा हो सके, ऐसे 5 या 6 में ज्यादा अच्छा से बनता है। सी है, यहां से हम लोग बना दिए ऐसे,
और यहाँ बीच में एफ है। अब हम लोग एफ और यहाँ पी ये दोनों का बीच में रखना है, तो ये दोनों में कैसे बनेगा? अब एफ और पी के बीच में रखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे अगर है वस्तु ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे इमेज बनेगा? तो देखिए ये वाला में बुक में एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पे पैरेलल वाला नहीं खींचा है। यहाँ पे कैसा खींचा गया है? यहाँ पे एक खींचा इसे पी पे गया और जितना कोण से गया है उतना ही कोण से इधर वापस चला गया, इस तरह से एनसीईआरटी का बुक में। कहीं और हम देखे थे उसमें क्या था, पैरेलल गया था और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके चला जाता है, तो दोनों में वैसे ही बनता है इमेज। तो एक ये हो गया यहाँ और यहाँ इक्वल हो जाएगा और इस तरह से आएगा। और दूसरा वाला कहां से जाता है? सी से होके जाता है। तो देखिए सी यहाँ पे, तो यहां से इस तरह से जाएगा, इस तरह से। ये तो पार जाएगा नहीं, ये सी वाला हमेशा उसी रास्ते से लौटता है टकरा के। अब देखिए ये इधर फेल रहा है, इसका मतलब लग रहा है ना कि ये धीरे धीरे कहीं सामने हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो हम लोग कल्पना बस करते हैं इसमें इस तरह से कि ये आगे बढ़ा है और ये भी आगे बढ़ा है, इस तरह कल्पना है बस ये। यानी कि ये रियल, ये इमेज जो है रियल नहीं है, इसीलिए ये सीधा बन गया। जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, ये सीधा बन गया, इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग छह कंडीशन देख लिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे बनता है। न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। देखिए मान लेते हैं एक मिरर, यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी मिरर, कोई भी लेंस, उससे हम लोग को नहीं, हम लोग जो 10th क्लास में देखे थे, हम लोग जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, इसमें क्या होता है, यहाँ जीरो रहता है, इधर 1, 2, 3, इधर -1, -2, इस तरह से होता है, फिर इधर ऊपर में 1, 2, 3 और नीचे जाते हैं तो -1, -2, -3, उसी का यूज हम लोग यहाँ लेंस या मिरर में भी करेंगे, ठीक है। तो देखिये सबसे पहले जैसे इधर ऑब्जेक्ट रहता है यानी वस्तु रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु का दूरी। ये जो होता है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग बायां साइड में रखते हैं, हर बार इमेज हम लोग इसी साइड रख के बनाए ना, उधर रख के कभी नहीं बनाए। तो इसको हमेशा जो वस्तु का दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा इस साइड है। मतलब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे मिरर है, इसका इस साइड है, तो इस साइड रहने पर माइनस में आता है ना, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी यू, ये हमेशा माइनस में आएगा। हमेशा जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे यू हमेशा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है यू, वो हमेशा माइनस में लेंगे। और जो इमेज बनेगा इसका, तो इमेज का कुछ पता नहीं है, वो कभी इधर भी बन जाता है, कभी इसके इधर भी बनता है। इधर बनेगा तो प्लस में लेंगे, इधर बनेगा तो माइनस में लेंगे, ठीक है। और ये नीचे ऊपर जो है इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कि हाइट जो है वो पता चलता है। जैसे अगर प्लस में हाइट आया है, इसका मतलब अगर ऐसे बना हुआ है यानी ऊपर साइड सीधा खड़ा है अगर इमेज या ऑब्जेक्ट, तो वो प्लस में रहेगा, यानी हाइट, जो हाइट है वो हमेशा प्लस में रहेगा। जो एच होता है हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट, वो हमेशा प्लस में रहेगा। और जब उल्टा बनता है तो एच क्या रह जाएगा उसका, माइनस में आएगा। देखिए ये समझ में आया, अगर इस साइड कोई वस्तु है तो वो माइनस में, अगर इस साइड है तो प्लस में, अगर सीधा खड़ा है तो प्लस में, और अगर उल्टा खड़ा है तो माइनस में। यही हम लोग को इसके हिसाब से हम लोग को लेना है। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला देखते हैं क्या है। मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र में क्या होता है, देखिए 1/B + 1/U = 1/F, ठीक है। और एक और चीज होता है m = -V/U, और एक और m = होता है h/H, ठीक है। ये सब क्या है, भी यू, ये अभी हम बताते हैं क्या है, सब बताएंगे। देखिए मिरर और लेंस दोनों फॉर्मूला साथ में बता देते हैं, याद करने में आसानी होगी। मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला कर देते हैं, लेंस सूत्र। ये यू भी दोनों सब के लिए सेम ही रहेगा, लेंस सूत्र। अब देखिए दर्पण सूत्र में 1/V + 1/U = 1/F होता है,
लेंस सूत्र में क्या होगा, यही होगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय आर। ये दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। आप देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस में एम इक्वल टू वी बाय यू होगा। देखिए उल्टा है, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो गया लेंस में, और इसमें जहां माइनस है वहां प्लस हो गया। और ये जो m है एक और, ये दोनों के लिए सेम है, इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, हो गया। अब देखिए m इक्वल टू ये वैल्यू है, m इक्वल टू ये है, m का वैल्यू ये भी है, ये भी है, तो हम लोग इसको आपस में इक्वल बोल सकते हैं, यानी h डस बाय h इक्वल टू माइनस v बाय u, ऐसे बोल सकते हैं मिरर में, दर्पण में। और अगर लेंस में बोलेगा तो ये m का वैल्यू और m का वैल्यू यहाँ ये है v बाय u, तो ये लेंगे, ये दर्पण के लिए, ये लेंस के लिए, ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का ही फर्क है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये u, v, m ये सब है क्या। तो देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से एक दर्पण है, बीच में एक ऑब्जेक्ट, तो दर्पण से यानी कि मिरर से कितना दूर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या वस्तु दूरी बोलते हैं, बिंब दूरी, जिसको यू से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका इमेज कुछ बनेगा, मान लेते इधर इमेज बन रहा है, इसका जो आईना में बनता है परछाई, वो यानी कि उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितना दर्पण से कितना दूर में है, उसको हम लोग भी बोलते हैं। वस्तु कितना दूर में है, ऑब्जेक्ट कितना दूर में है, उसको यू, और दर्पण या लेंस जो भी है बीच में, उससे जो इमेज बन रहा है यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितना दूर में, उसको प्रतिबिंब दूरी, ये वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी होता है, ठीक है। और वस्तु कितना ऊंचाई है उसको h बोलते हैं, हम अभी आगे बताते हैं। देखें सबसे पहले 1 बाय v हम लोग बोलते हैं, u सबसे पहले देखते हैं, u u क्या है, तो u है वस्तु की दूरी, वस्तु कितना दूर में है यानी बिंब, यहाँ पे बिंब का भी यूज हुआ है वर्ड, बिंब बोलेंगे या वस्तु, वस्तु कितनी की दूरी कितना है उसको हम लोग यू से बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी आईना यानी कि मिरर से या लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर में है उसको यू बोलते हैं, कितना दूर में मिरर से, कितना दूर में ये रखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग 20 को क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, यू जो है वो 20 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं। और इसको याद रखना है कि ये नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक, ऑलवेज हम लोग नेगेटिव में लेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। U का वैल्यू हमेशा, जैसे हम बोले ना 20 सेंटीमीटर है, तो U इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे हमेशा, हर बार, ठीक है, ये याद रखना। U को हमेशा, U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना है, माइनस में लेना है हमेशा। अब U के बाद है भी, भी क्या होगा, U है वस्तु का दूरी, भी क्या है प्रतिबिंब का दूरी, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आईना या लेंस या मिरर जो भी है उससे कितना दूर में है, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितना है। तो ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी हम लोग, अभी हम लोग जो बनाए थे उसमें इमेज किसी में इधर बन रहा था मिरर के बायां साइड, किसी में मिरर के दायां साइड बन रहा था, तो जब दायां साइड बनेगा तब हम लोग प्लस में लेंगे, बायां साइड बनेगा तो माइनस में, ठीक है। मतलब ये दोनों हो सकता है, यू भी। उसके बाद एफ, एफ जो था फॉर्मूला में, एफ तो हम पहले ही बता दिए, क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखिए ये प्लस भी होता है माइनस भी होता है। प्लस कब होता है, जब कन्वेक्स बोलेगा, यानी कि जब उत्तल बोलेगा, चाहे लेंस हो या मिरर हो, कन्वेक्स बोल दिया, उत्तल दर्पण बोलेगा या लेंस बोलेगा, अगर उत्तल है तो वो प्लस में लेंगे हम लोग एफ को, और माइनस में कब लेंगे, जब कनकेव बोलेगा, जब भी कनकेव बोला, लेंस हो या मिरर हो, दोनों में माइनस में लेंगे, यानी अवतल जब भी बोलेगा तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण हम लोग माइनस में लेंगे फोकस को, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस में क्यों लेते हैं,
ये कैसा दर्पण है, ऐसे है तो ये अवतल दर्पण है, तो इसका फोकस इस साइड आता है बायां साइड, इसलिए हम लोग माइनस में लेते हैं। और जब उत्तल रहता है ऐसे रहता है, तो इसका फोकस इस साइड रहता है ना, दायां साइड रहता है, राइट साइड, तो राइट साइड हम लोग जब जाते हैं तो प्लस में होता है, इसीलिए हम लोग उत्तल में प्लस लेंगे। यू भी एम हो गया। इसके बाद हम बताएं एम, एम क्या है, एम है आवर्धन, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है ये क्या होता है, ये बताता है कि कोई प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के तुलना में उसके हिसाब से कितना बन रहा है। मान लेते कि अगर 5 मीटर लंबा एक, 5 सेंटीमीटर, मान लेते 5 सेंटीमीटर लंबा एक वस्तु था, और इसको जब हम लोग आईना के पास रखें तो 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर बड़ा बन गया इसका परछाई, तो कितना गुना हो गया, 5 था उससे 10 हो गया, 2 गुना बढ़ गया ना, डबल हो गया। तो एम हम लोग को वही बताएगा, एम में आंसर क्या आएगा, 2 आएगा इसमें, इस केस में। मतलब एम बताता है कि वस्तु कितना गुना बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बना है। ये हाइट नहीं बताएगा, टेन नहीं बताएगा हम लोग को, ये बताएगा कि इसके मुकाबले ये कितना गुना है, मतलब 5 के मुकाबले 2 गुना है, डबल है ना, तो 2 आएगा एम का आंसर, 10 नहीं। ठीक, तो एम हम प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। अब प्लस माइनस से क्या मतलब है, तो देखिए एम अगर प्लस आ गया, एम अगर प्लस में आया इसका मतलब हम लोग जान जाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है सीधा है, या प्लस माइनस हम लोग को सीधा उल्टा बताएगा। ठीक है, प्लस में आने का मतलब क्या है, वो सीधा खड़ा है वस्तु, या वस्तु नहीं प्रतिबिंब, प्लस आने का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा खड़ा है, और जब सीधा होता है तो कैसा रहता है, सीधा और काल्पनिक यानी आभासी, सीधा और आभासी या काल्पनिक। मतलब यहां अगर प्लस में आएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि वस्तु जो है वो प्रतिबिंब जो है, वस्तु नहीं प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी बन रहा है, यानी कि यहां प्लस करने पर हम लोग जान जाएंगे जो इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा, वो इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल यहां अगर प्लस में है, और अगर एम माइनस में आया तो हम लोग क्या जानेंगे, वस्तु उल्टा बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, और उल्टा जब भी बनता है तो वो कैसा रहता है, वास्तविक रहता है, रियल रहता है। तो हम लोग जान जाएंगे कि कैसा इमेज है, इन्वर्टेड है एंड इन्वर्टेड एंड रियल। हर बार सीधा जब भी बनेगा तो वो आभासी ही रहेगा, और जब भी उल्टा बनेगा वो वास्तविक ही रहेगा। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होता है, और इरेक्ट और वर्चुअल होता है। एम हो गया, और फिर लिखे थे एच, एच क्या होता है, एच होता है वस्तु यानी बीम की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि वस्तु कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट का हम लोग रखे हैं आईना के सामने या दर्पण के सामने वो कितना बड़ा है, उसको हम लोग एच बोलते हैं। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा प्लस में रहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग सीधा ही रख के बनाते हैं, तो एच हमेशा प्लस में ही लेंगे, मतलब एच जो होगा वो हर बार प्लस होगा, हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। जिस तरह यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, उस तरह एच ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और एच के बाद जो एच अपोस्ट्रोफी है या कोमा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु कितना बड़ा है वो एच, और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि जो इमेज बनेगा वो कितना बड़ा है उसको हम लोग एच डैश बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कभी उल्टा बनता है कभी सीधा बनता है, तो जब सीधा बनेगा तो उल्टा, जो एम में बताता है ना, सीधा प्लस में है तो सीधा और आभासी, और माइनस में तो उल्टा और वास्तविक, सेम इसमें भी वही चीज है। अगर एच डैश प्लस में आया तो इसका मतलब है कि वो सीधा बन रहा है, और जब भी सीधा बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो काल्पनिक हो जाएगा यानी आभासी हो जाएगा। काल्पनिक या आभासी एक ही बात है, काल्पनिक एवं आभासी बताएगा, मतलब सीधा एवं आभासी बताएगा। और अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो उल्टा बन रहा है,
उल्टा बन रहा है तो उल्टा वाला क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है यानी रियल होता है। इसमें क्या लिखेंगे, जो यहां लिखे थे इरेक्ट एंड वर्चुअल और इरेक्ट एंड वर्चुअल, और इसमें क्या हो जाएगा इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, बस इतना ही चीज है, ये सबको याद रख। अब इसी का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जितना भी है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। देखिए अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 10.1 देखते हैं। ठीक है, इसे क्या बोले, अब कैनवेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन द ऑटोमोबाइल, जो गाड़ी में पीछे देखने का जो आईना होता है वो कन्वेक्स मिरर रहता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का कि जो गाड़ी में पीछे देखने वाला जो आईना होता है रियर व्यू, वो कौन सा मिरर होता है, तो वो कन्वेक्स मिरर रहता है। और जिसका है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या बताए थे, आर होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जिसका है वो कितना है, वक्रता त्रिज्या कितना है उसका, तीन है, यानी कि आर जो है तीन है। अब यहां देखिए हम बोले थे फोकस क्या आर में, प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे आर को, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे, जब भी कन्वेक्स जब भी बनेगा यानी उत्तल लेंस है ना, यहाँ उत्तल दर्पण ना है, और उत्तल दर्पण जब भी रहेगा तो आर प्लस में होगा। ठीक है, तो ये तीन सेंटीमीटर है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और एक बस जो है वो इस आईना से 5 मीटर दूर है। अब देखिए बस क्या हो गया, बस वस्तु है ना, आईना के सामने वस्तु रखा हुआ है यानी ऑब्जेक्ट है, कितना दूर पे है 5 मीटर, यानी वस्तु का दूरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और यू कितना है 5 है, 5 सेंटीमीटर, इसको प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे यू, अब हम बताए थे यू हमेशा माइनस में, अभी हम बताए थे ना यू ऑलवेज माइनस, यू हो गया। अब इसके बाद क्या है, फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज बनेगा यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थिति बताना है कि कितना दूर में है, यानी हम लोग को भी निकालना है प्रतिबिंब का स्थिति वो निकालना है, दूसरा नेचर निकालना है, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या है, जो वास्तविक और उल्टा या काल्पनिक एवं सीधा जो बोले थे ना, बस वही निकालना है हम लोग को, और साइज यानी कि एच या कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग साइज परफेक्ट साइज तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि एच और एच कोमा ये दोनों होना चाहिए तभी होगा, एक हाइट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं है तो ये नहीं निकलेगा, यानी हम लोग यहाँ एम से हाइट बताएंगे, कितना गुना बड़ा बन रहा है वो हम लोग बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा इमेज बनेगा कि बड़ा इमेज बनेगा वो हम लोग एम से बता सकते, तो एम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों में से एक दिया रहेगा तो ही हम लोग दूसरा को निकाल सकते हैं, एक नहीं दिया है, हाइट नहीं दिया हुआ है ना ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखिए ये क्या है, दर्पण है ना, अगर लेंस का रहता तो लेंस फॉर्मूला लगाता, अभी दर्पण है तो दर्पण फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण सूत्र से यानी कि फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। अब बस हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, 1/v तो नहीं पता है, v निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है, u -5 है, इक्वल टू 1/f, f कितना है, देखिए f हम लोग को अभी निकालने ही नहीं है, तो जब r दिया हुआ रहता है तो r से हम लोग f निकालते हैं ना, f इक्वल टू क्या होता है r by 2 होगा, r कितना है 3 है, 3/2, तो इसको हम लोग डिवाइड जब करेंगे तो 1.5 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर हो जाएगा, तो f निकल गया, f का वैल्यू कितना है, प्लस में है ना, ये प्लस में, तो ये भी प्लस में ही आएगा 1.5। अब यहां से 1/v, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस 1/5 हो जाएगा, इक्वल टू 1/1.5, इसका पॉइंट हटा के ऊपर में एक जीरो लगा सकते हैं ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगा सकते हैं, यानी कि 10/15 कर देते हैं हम लोग। अब 1/v इक्वल टू 10/15, और ये जो माइनस वाला 1/5 है उस साइड जाएगा तो प्लस 1/5
हाइप हो जाएगा। अब यहां पे वन बाय वी इक्वल टू, यहां पे वी का जोड़ करेंगे एलसीएम लेंगे 15 आएगा, यहां पे 10 का 10 ही रहेगा और यहां 3 हो जाएगा। तो 1 बाय वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और यहां 30। अब यहां पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी निकालिए जाए तो यहां वी को पलट दे रहे वी बाय 1 और यहां पे हो गया 15 बाय 30। बाय 1 का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए हम सिर्फ वी इक्वल टू लिखेंगे। यहां पलट दिए तो यहां भी पलट गया ऊपर बड़ा नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो गया। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 1.15 आ जाएगा। ठीक है इतना सेंटीमीटर भी निकल गया यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा यानी जो इमेज बनेगा वो कितना दूर में बनेगा 1.15 सेंटीमीटर दूर में बनेगा। अब हम लोग को नेचर बताना है तो नेचर के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं वो हम लोग एम से ही नेचर को बताएंगे। तो एम निकालेंगे एम इक्वल टू क्या होगा तो एम इक्वल टू देखिए मिरर है ना दर्पण है दर्पण में एम इक्वल टू क्या था माइनस वी बाई और यही अगर लेंस रहता तो एम इक्वल टू क्या लिखते प्लस वी बाई तभी यहाँ माइनस वी बाई निकलेंगे इक्वल टू माइनस अब भी क्या निकला है 1.15 और बाय यू यू क्या है ये हम लोग का कितना है माइनस फाइव यू है माइनस फाइव ये माइनस माइनस कट गया। अब 1.15 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा तो 0.23 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में एम का कोई यूनिट नहीं होता है तो यहां पे क्या आएगा 0.23 आएगा एम का कोई यूनिट नहीं लिखते हम लोग तो एम तो ये 0 में है इसका मतलब आप बताइए कि ऑब्जेक्ट छोटा होगा कि बड़ा होगा आप बताइए इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए जब एक किसी का आता है एक गुना एम क्या है एम बताते कितना टाइम से कितना गुना है तो अगर एक आता है मतलब उतना ही बड़ा जैसे पांच का अगर एक गुना करते हैं हम लोग तो 5 ही आएगा मतलब उतना ही बड़ा है और अगर 1 से बड़ा करते हैं हम लोग नंबर को 5 का 2 गुना 3 गुना यानी कि बड़ा होगा मतलब अगर 1 से बड़ा होता है ये जो एम निकलेगा एम अगर 1 से बड़ा निकलेगा इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी बड़ा होगा और अगर एम 1 से छोटा हो जाता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा। अभी ये 0 है यानी 1 से छोटा है इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा जो इमेज बनेगा वो जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा होगा। तो हम लोग को सारा चीज पता चल गया भी पता चल गया भी हम लोग का यहाँ पे निकल गया इतना ये एक आंसर है और एम अगर प्लस में है देखिए एम प्लस में है और प्लस में रहता है तो हम क्या बताए थे प्लस में रहने पर ऑब्जेक्ट क्या होता है प्लस में रहने पर क्या होता है एम अगर प्लस में आया है इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है सीधा खड़ा है सीधा है इसका मतलब जो है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है यानी यहाँ पे बस हम लोग लास्ट में लिख दे रहे हैं क्या लिख रहे हैं भी इक्वल टू इतना सेंटीमीटर और प्रकृति बराबर यानी नेचर इक्वल टू लिख देना है क्या लिखेंगे हम लोग वर्चुअल एंड इरेक्टेड सीधा है ना सीधा है और इरेक्ट है तो वही लिखना है और कितना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है तो एम यहाँ 0 में आया 0 में इससे हम लोग पता चल रहा है कि छोटा बन रहा है 1 से बड़ा आता है तो हम लोग जान जाते बड़ा बन रहा है लेकिन यह छोटा बन रहा है। तो तीनों चीज हो गया भी इक्वल टू हो गया 1.15 सेंटीमीटर और एम हो गया एम क्या बता रहा है एम जो बता रहा है कि छोटा है तो बस हम लोग लिख देंगे मतलब एक एक करके सबका लिख देंगे जो जो चीज निकालना था ना वो हम लोग लिख देंगे हो जाएगा।